गैस विंडोज एक बहुत ही कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत सारे लोग विंडोज को इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आपने भी विंडोज को इस्तेमाल किया हो और आप लोग स्लोनेस या फिर लैग एक्सपीरियंस कर रहे हो सकता है आपका सिस्टम बहुत ज्यादा हैंग करता हो। अगर ऐसा है तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी सहायता से आप लोग अपनी विंडोज को बहुत ही फास्ट, लैग फ्री और बहुत ही कंफर्टेबल बना सकते हैं। जो असली परफॉर्मेंस गेन है ना, वो आप लोगों को मिलेगा पॉइंट नंबर 4 से, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और हो सकता है कि वो एक ऐसी चीज हो जो कि आप लोग सुनना नहीं चाहते और आप में से कई लोगों को वो चीज बुरी भी लग सकती है, पर अगर आपने उसको इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका कंप्यूटर डेफिनेटली स्पीड अप होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जब बात विंडोज को स्पीड अप करने की आई है तो मैं आ चुका हूँ अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर के अंदर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने कंप्यूटर में कुछ ऐप्स वगैरह चला रखी हैं। अब जो पहली टिप मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विंडोज को स्पीड अप करने की, वो है पावर ऑप्शंस। अगर आप लोग एक लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग एक डेस्कटॉप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो नीचे यहाँ पर आप लोगों का जो चार्जिंग वाला बटन है उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखकर आता है पावर मोड। इसको आप लोगों को कर देना है बेस्ट परफॉर्मेंस में, क्योंकि अगर लाइट आ रही है और आप प्लग्ड इन है, एज लॉन्ग एज आप लोग बैटरी नहीं बचाना चाहते हैं और पावर इश्यू नहीं है, आप लोग इसको पूरा फुल पे रखें। उसी के साथ साथ आप लोग जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करके पावर ऑप्शंस लिखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को पावर एंड स्लीप सेटिंग्स लिख कर आएगा। आप लोग इस पर क्लिक करें और यहाँ पर देखिए पावर एंड स्लीप सेटिंग्स मेरी खुल गई है। आप लोग एडिशनल पावर सेटिंग्स में जाएं और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अ पावर प्लान पर क्लिक करके, हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक करके नेक्स्ट, और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर अपने कस्टम प्लान को इंक्लूड कर सकते हो। ये आपका हाई परफॉर्मेंस प्लान होगा, इसमें आप लोगों को पूरी की पूरी हाई परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आप बैलेंस्ड पे क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस करेगा परफॉर्मेंस विद एनर्जी कंजम्पशन, और आपको 100% स्पीड नहीं मिलती है। इसलिए आप लोग अपना एक कस्टम प्लान बनाएं जिसमें आप लोग जो आपकी स्पीड है उसको 100% पे रखें। ये काम आप लोग यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। एक बात और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को बिल्कुल इंस्टॉल ना करें विंडोज को स्पीड अप करने के लिए। वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी विंडोज की स्पीड को डाउन ही करेगा, आपको स्पीड अप तो शायद ही मिलेगा। और एक और बात मैं जो बोलना चाहूंगा वो ये कि जो एंटीवायरस वगैरह होते हैं आप बहुत ही समझदारी के साथ उनको इंस्टॉल करें, क्योंकि विंडोज में बाय डिफॉल्ट विंडोज डिफेंडर नाम का एंटीवायरस आता है और वो ऑलमोस्ट आपका सारा काम कर ही देता है। मूव करूंगा मैं अपनी सेकंड टिप के साथ, जो कि है स्टार्टअप एप्स को डिसेबल करना। जब भी आप विंडोज को बूट करते हैं तो कुछ ऐप्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं, और उनमें से कुछ ऐप्स ऐसी भी होती हैं जो कि आप लोग नहीं चाहते कि विंडोज स्टार्टअप के साथ स्टार्ट हो जाए लेकिन उसके बाद भी वो हो जाती हैं। ऐसे में आप लोगों को उनको डिसेबल करना पड़ता है। आप लोग टास्क मैनेजर में आए, टास्क मैनेजर में आने के बाद आप लोग स्टार्टअप पे क्लिक करें और यहां पर बहुत सारी एप्स आप लोगों को मिल जाएंगी जो कि आपकी विंडोज जब स्टार्ट होती है तब ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं और उनका स्टार्टअप इंपैक्ट भी हाई होता है। जैसे कि मेरा ये एपिक गेम्स लॉन्चर आपको दिख रहा है, मैं इसको डिसेबल करूंगा क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर को स्पीड अप करना चाहता हूं और अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पीड थोड़ी सी मिल रही है तो मैं एपिक गेम्स लॉन्चर के ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने से कोई एतराज नहीं रखता हूं। उसी साथ साथ यहां पर आप लोग बड़े आराम से देख लें कौन सी वो एप्स हैं जो कि आप लोगों को अननेसेसरी लग रही हैं और आप उनको जानते नहीं हैं। जैसे कि मुझे ये ओपेरा ब्राउजर असिस्टेंट डिसेबल करना है, मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। उसी के साथ साथ कोई भी ऐसी चीज जो कि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं आप उसको डिसेबल कर दें, यानी कि जैसे आपकी विंडोज स्टार्ट होगी वो स्टार्ट ऑटोमेटिकली नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि आपकी विंडोज को बूट होने के साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स भी बैकग्राउंड में स्टार्ट हो रहे हैं तो आपकी विंडोज को स्लो डाउन ही करेंगे, इसलिए हाईली रिकमेंडेड आप इन प्रोग्राम्स को बंद कर दो। और ऐसा करोगे आप लोग तो आपकी विंडोज को स्पीड अप मिलेगा। अब ये तो बात हो गई उन एप्स की जो कि आपकी विंडोज स्टार्ट करने पर स्टार्ट होती हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं आपके कंप्यूटर में जो कि आप नहीं चाहते कि आपके कंप्यूटर में वो जगह भी रखें बनाकर, क्योंकि वो अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं। हो सकता है आपने कोई फाइल डाउनलोड करते समय एक्सीडेंटली किसी ने आपको एक .exe डाउनलोड करवा दिया। ऐसा गाने डाउनलोड करते समय बहुत ज्यादा होता है कि जो बहुत सारी मैलिशियस वेबसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, आप लोगों को एक गाना डाउनलोड करने के बजाय गाने के नाम की .exe फाइल डाउनलोड करा देती हैं और इस बेट में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और उस exe प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेते हैं और वो या तो आप लोगों को किसी तरह के एड्स वगैरह शो करती हैं, तो कोई एडवेयर हो सकता है। हो सकता है कि वो आपके पीसी को स्लो डाउन करके किसी दूसरे प्रोग्राम को, अनवांटेड प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर में ज़बरदस्ती इंस्टॉल कर दे। ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन है और इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को जाना पड़ता है स्टार्ट बटन पर और लिखना पड़ता है ऐड और रिमूव
प्रोग्राम्स, और जैसे ही आप ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाती है, और इनमें से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जो कि शायद आप लोगों को नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ये इंस्टाग्राम जो मेरी इंस्टॉल हो रखी है विंडोज़ में, मैं इसको अनइंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। और ये देखो, ये अनइंस्टॉल लिख कर आ गया, ये इंस्टॉल हो चुकी है। उसी के साथ साथ कोई और प्रोग्राम भी हो सकता है जो कि शायद आप लोग नहीं चाहते हों, और बहुत सारी स्पेस वो बना के रख रहा है, और आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर रखे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर जो MSI आफ्टर बर्नर है वो मुझे नहीं चाहिए, फॉर इंस्टेंस मैं MSI आफ्टर बर्नर को अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो मैं इस तरह से इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकता हूँ प्रोग्राम्स को, बट आप सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लोगों को ज़रूरत है भी ना, तब भी आप लोग प्रोग्राम्स को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो। और इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो आपका मेन डेटा है वो आप अपनी विंडोज़ वाली ड्राइव में अगर रख भी रहे हो, तो आप लोग उसको एक अलग से फोल्डर में मेंटेन करके रखो, या फिर आप एक दूसरी ड्राइव में या फिर एक दूसरे पार्टीशन में रखो, डी ई या एफ में, ताकि आप लोग उसका बैकअप ले सको, और आपकी विंडोज़ वाली ड्राइव को अगर किसी ने पूरा खाली भी कर दिया ना, तब भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मूव करूंगा अपनी तीसरी टिप की तरफ, और वो है डीफ्रेगमेंट ड्राइव्स। तो आप लोग अगर लिखेंगे डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स, मैं इस पे क्लिक करूंगा, और यहां पर देखो मुझे ये ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स वाला बॉक्स खुलकर मिल गया है। मैंने यहां पर सिंपली डीफ्रेगमेंट ड्राइव्स लिखा, और आप लोगों को ये जो विंडो है वो खुलकर मिल जाएगी। ये क्या होता है कि आप लोग अपनी ड्राइव को जब डीफ्रेगमेंट करते हैं, तो आपकी ड्राइव को ये ऑटोमेटिकली एनालाइज करती है कि कौन सा डेटा किधर है। जैसे कि जो आपकी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, वो अच्छी तरह से स्पीड अप हो जाती है अगर आपने उनको प्रॉपरली उनके डेटा को एक तरफ को कर दिया है, यानी कि डीफ्रेगमेंट उनको कर दिया है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि सी ड्राइव जो है उसको मैं ऑप्टिमाइज पे क्लिक करूंगा, और ये देखो इसने इसको ऑप्टिमाइज कर दिया है। फिर ये जो लोकल डिस्क डी है, इसको भी आप लोग ऑप्टिमाइज कर लें। मैंने अपना ऑटोमेटिकली इसमें सेटिंग्स चेंज करके कुछ ऐसा कर रखा है कि ऑटोमेटिकली हर वीक में मेरी ड्राइव्स जो है वो डीफ्रेगमेंट हो जाती हैं, और इससे काफ़ी स्पीड अप आप लोगों को मिलता है। आप लोग अगर जाएंगे अपनी विंडोज़ में, तो इस चीज़ को चेक करें कि हो सकता है कि आपकी जो ड्राइव है वो लास्ट ऑप्टिमाइज हो, मे बी एक साल पहले, छः महीने पहले, जो भी है। अगर ऐसा है तो आप इस चीज़ को चेक कर लें। जो भी हिसाब है, आप अपनी ड्राइव्स को डीफ्रेगमेंट करेंगे तो आपको स्पीड अप जरूर देखने को मिलेगा। डीफ्रेगमेंट का एक भाई होता है जिसका नाम होता है डिस्क क्लीनअप, वो अलग होता है, डीफ्रेगमेंट अलग होता है। डिस्क क्लीनअप बताता हूँ आप लोगों को क्या होता है। अपने कंप्यूटर में डिस्क पीसी पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे, तो आप लोगों को आपकी ड्राइव्स मिल जाएंगी। आप लोग राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाएं, और उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क क्लीनअप देखने को मिलेगा। डिस्क क्लीनअप की सहायता से आप लोग जो अननेसेसरी फाइल्स इस डिस्क पर बन गई हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है स्कैन करने में, और उसके बाद आप लोगों को ये पूरे ऑप्शंस दिखाता है कि कौन कौन सी फाइल्स हैं जो कि आप लोग डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखो, यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि क्या आप टेम्प्ररी इंटरनेट फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं, क्या आप इन सारी फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं। और कभी कभी ये जो फाइल्स हैं बहुत सारी जगह ले लेती हैं, जैसे कि मेरी रिसाइकल बिन ने 1.23 GB ले रखी है। मैंने रिसाइकल बिन में से कुछ फाइल्स डिलीट नहीं करी है जो कि मैं डेफिनेटली डिलीट करना चाहूंगा इन द फ्यूचर। तो अगर आप लोगों ने कुछ प्लान करके नहीं रखा हुआ है कि यार रिसाइकल बिन को मैं इतने टाइम में खाली करूंगा, हो सकता है आपकी रिसाइकल बिन इतनी भरी हुई हो कि उसी की वजह से आपकी स्पीड जो है वो कम हो रखी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी लोकल डिस्क सी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, और रिसाइकल बिन में 1.23 GB पड़ा हुआ है। तो इट इज बेटर फॉर मी कि मैं अपनी रिसाइकल बिन को क्लीन कर लूं। तो इस तरह की अनवांटेड फाइल्स को रिमूव करके भी आप लोगों को स्पीड अप मिल सकता है। अब आते हैं नंबर 4 पॉइंट पर, जो कि मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा स्पीड अप देगा ये पॉइंट आप लोगों को, और वो है कि मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू अपडेट योर हार्डवेयर। यार अगर आप लोग जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ स्पीड अप देंगी विंडोज़ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10 साल पुराना जिसमें 30 GB की हार्ड ड्राइव है, वो हल्की पुल्की वाली, वो चलती नहीं पहले, विंडो XP पड़ी हुई है, उसको बूस्ट कर देगा ये, आपकी 2 GB रैम वाले कंप्यूटर को जो है बिल्कुल 32 GB रैम वाला बना देगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई जादू नहीं हो रहा है। और ये इसमें मैं यहाँ पर शाउट आउट देना चाहूँगा SSDs को। जो SSD होती है वो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव से बहुत ज़्यादा टाइम्स फास्टर होती है। कितना टाइम्स फास्टर होती है ये डिपेंड करता है कौन सी SSD है इस पर। और मैं देखता हूँ कि आजकल अगर आपने नया भी खरीदने जाते हो ना लैपटॉप, आप लोग आपको वो NVIDIA का 1650 लगा के देंगे, आप लोग को वो मे बी अभी जो नए NVIDIA के कार्ड आ रहे हैं उनका आपको मोबाइल वर्जन लैपटॉप में लगा कर दे देंगे, लेकिन आप लोगों को वो SSD लगा के नहीं देते कंप्यूटर में। मुझे समझ में नहीं आता वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। और हार्ड ड्राइव भी लगाते हैं तो कौन सी लगाते हैं, 5400 RPM हार्ड ड्राइव में यार क्या स्पीड होगी। और आप लोग उससे वो ले लेते हैं अगर ये 80,000, 70,000, 60,000 रुपये लैपटॉप के। आप अभी चले जाओ Amazon, Flipkart पे, आपको देखने को मिल जाएंगे लैपटॉप यार उसमें हार्ड ड्राइव, सॉरी SSD ही नहीं है,
और SSD का स्लॉट ज़रूर होता है। तो यार हर कोई इतना प्रो होता नहीं है कि यार वो SSD जाकर खरीदे और SSD को इंस्टॉल करवाए। इंसान को जो लैपटॉप मिलता है वो उसी को चलाना स्टार्ट कर देता है। आपको दो दो TB देंगे, वो एक एक TB की हार्ड ड्राइव स्टोरेज देंगे, लेकिन SSD नहीं देते। मैं तो कह रहा हूँ यार 120 की अगर आप SSD लगा के उसमें विंडोज़ डाल दो तो बंदे को बहुत स्पीड बूस्ट मिलेगा। तो अगर आप भी इनमें से कोई एक हैं कि जिसने लैपटॉप खरीदा हुआ है और आप लोग HDD में विंडोज़ चला रहे हैं, तो मेरा यकीन मान के आप लोग SSD में इन्वेस्ट करो। और SSD आप लोग को बहुत सिग्निफिकेंट स्पीड अप देगी कुछ भी आप लोग करते हो, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे आप लोग कोडर हो, चाहे आप लोग एक नॉर्मल यूज़र हो जो कि ब्राउज़र सर्फिंग ही करता है। यार क्रोम भी जब खुलेगा क्लिक करते ही फटैक, तब आप लोगों को मज़ा ही आएगा, वो एक्सपीरियंस अलग ही होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि SSD में आप लोग इन्वेस्ट करें। और अगर आपके कंप्यूटर में रैम बहुत कम है, बहुत कम इज़ लाइक 2 GB, और अगर आप लोग कुछ हाई एंड टास्क करें तो 4 GB को भी कम माना जाएगा। 8 GB को मैं स्वीट स्पॉट मानता हूँ, और 16 GB इज़ इनफ अनलेस यू आर नॉट प्रो। अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रो लेवल का काम कर रहे हैं, जो कि यार मैं भी नहीं कर रहा हूँ अभी, तो आप लोगों के लिए 16 GB इनफ है। उसके बाद तो यार आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स कितनी भी शूट अप हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, बट हार्डवेयर में आप लोग इन्वेस्ट करें, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ मैं आप लोगों को अपनी पांचवी टिप की तरफ लेकर चलूंगा, और वो है कि आप लोग क्लीन अप कर लें टेम्पररी फाइल्स को। और यहाँ पर आप लोग क्या करें, विंडोज़ आर दबाएं, या फिर आप लोग यहाँ पर रन भी लिख सकते हैं, और ये जो रन है ये आप लोगों को खुलकर मिल जाएगा। और आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले लिखना है टेम्प, और मैं यहाँ पर टेम्प लिखूंगा तो ये कह रहा है यू डोंट हैव परमिशन, तो मैं ही एडमिन हूँ, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। और ये मेरी जो टेम्पररी फाइल्स हैं ये यहाँ पर आ गई हैं। आप लोग इनको सबको डिलीट कर दें, कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट, और इनको आप लोग डिलीट कर दें। और जो चीज़ डिलीट नहीं हो पाएगी उसको मैं स्किप करूंगा, मे बी कुछ फाइल्स जो है वो यूज़ हो रही हो तो मैं इसको स्किप करूंगा, और जितनी भी डिलीट कर सकता हूँ उनको डिलीट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने जो है विंडोज़ आर दबा के टेम्प लिखा था, अब मैं विंडोज़ आर दबा के परसेंटेज टेम्प परसेंटेज लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरी यूज़र की जो टेम्पररी फाइल्स हैं वो मुझे देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये विंडोज़ की टेम्पररी फाइल्स थी, ये हमारी यूज़र की टेम्पररी फाइल्स हैं। कंट्रोल ए करके शिफ्ट डिलीट मैं करूँगा, और जितने भी मैं इसमें डिलीट कर सकता हूँ वो मैं डिलीट करूँगा। ऐसा करने से हो सकता है कि आपकी जो टेम्पररी फाइल्स हैं जो कि मे बी अभी यूज़ हो रही हूँ वो भी डिलीट हो जाए। तो अगर आप लोग कोई डाउनलोड वगैरह कर रहे हैं, या फिर आपका पीसी किसी भी इंपॉर्टेंट काम में व्यस्त है, उसके बीच में कभी ये मत करना, आप लोग अलग से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और ये टेम्पररी फाइल्स ही होती हैं, और इसको खाली करके सिंपली आप लोगों को बेनिफिट ये मिलता है कि जो आपकी सी ड्राइव होती है वो खाली हो जाती है। अगर आप लोग मैकेनिकल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट स्पीड अप आप लोगों को मिलेगा, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा स्पीड अप मिलेगा वो आप लोगों को हार्डवेयर अपग्रेड करके ही मिलेगा। और हार्डवेयर अपग्रेड करके भी अगर आप लोगों को स्पीड नहीं मिल रही है तो मे बी कोई नेस्टी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, या फिर कुछ स्टार्टअप में बहुत सारे प्रोग्राम्स किसी ने आप लोगों को इंस्टॉल करवा रखे हैं आपको किसी वायरस वगैरह ने। तो अगर ऐसा है तो आप लोग जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक मैंने आप लोगों को टिप्स बताई हैं, उनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं बोलूंगा कि आप लोग अपनी रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी करें। ऐसा करने के लिए आप लोग जाएं अपनी रिसाइकल बिन में, राइट क्लिक करें और एम्प्टी रिसाइकल बिन को क्लिक करें और इसको यस करते हैं। मैं नहीं करूंगा यस, क्योंकि मेरी रिसाइकल बिन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो सकती है, अभी के लिए मैं इसको यस नहीं करूंगा। बट आप लोग अपनी रिसाइकल बिन को खाली कर लें, इससे आप लोगों की जो सी ड्राइव है वो खाली होगी, और बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आप लोग को स्पीड अप ज़रूर मिलेगा। विद दैट सेट, अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई ऐसा तरीका है जिससे विंडोज स्पीड अप हो सकती है तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।